हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं, देखिए एक सुंदर सा केक है जो कि बेबी बॉर्न हुआ है उसके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्रम कोट किया हुआ एक केक है जिस पर कि मैं पिंक कलर की क्रीम लगा रही हूँ। इस क्रीम से हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। आइसिंग कैसे करनी है विद शार्प एजेस मैं अपने पहले वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, उसी तरीके से आप इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे विद शार्प एजेस। ये पिंक कलर से कवर हो गया है। नेक्स्ट मैं इस पर फॉल्ट लाइन इफेक्ट दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर वाइट क्रीम लगा रही हूँ, सिर्फ नीचे नीचे लगा रहे हैं, थोड़ी सी थिक लेयर लगाएंगे और फिर इसको स्मूथ कर देंगे स्क्रेपर से। दैट्स इट। यहाँ पर मैंने लिया है अब ये डेकोरेशंस बनाने के लिए वाइट चॉकलेट जिसको मैंने मेल्ट किया है, और उसको मैं अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स में डाल रही हूँ। ये मेरे पास चॉकलेट बार का एक मोल्ड है जिसमें मैंने वाइट कलर का चॉकलेट डाला है, और मैं यहाँ पर कुछ वाइट लॉलीपॉप स्टिक्स बनाऊँगी। तो इसको हम सर्कुलर मोशन में डालेंगे, स्पून की हेल्प से आप डालेंगे तो वो सर्कुलर ही गिरेगा, और थोड़ा आप लास्ट में शीट को हिला देंगे ना तो ये बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये मेरे पास स्क्यूअर स्टिक्स हैं जिनको मैंने कट करके इनमें लगा दिया है। अभी इसी वाइट चॉकलेट में मैं पिंक कलर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ये लिक्विड कलर ही लिया है, जस्ट 2 ड्रॉप्स मैंने उसकी ऐड करी है, क्योंकि मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ तो ज़्यादा कलर नहीं ऐड करेंगे, बिकॉज कोई भी लिक्विड है वाटर है और वो चॉकलेट के कॉन्टैक्ट में आके चॉकलेट को ख़राब कर देता है। सो आई हैव यूज जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ द नॉर्मल लिक्विड कलर। इसी तरीके से मैंने ये पिंक कलर का चॉकलेट बार भी बना लिया है और लॉलीपॉप्स के लिए भी बना दिए हैं सर्कुलर्स। थोड़ा सा शेक करेंगे उसको इवन करने के लिए। अब इनको हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। सेट होने के बाद ये देखिए बिल्कुल इजीली निकल आई हैं। अभी इस पर मैं चॉकलेट की ही हेल्प से थोड़े से पर्ल्स लगा दूंगी, छोटे बड़े साइजेस के, जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसी से टच कर करके हम उसको लगा देंगे तो वो इजीली स्टिक हो जाएगा इनसे। ये देखिए नाउ लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन। रैंडमली आपको कहीं भी ये लॉलीपॉप्स लगा देनी है। इस पर मैंने केक के ऊपर थोड़ी बीड्स डाल दी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक छोटा सा बेबी बिठाएंगे। ये मैंने फॉन्डेंट का एक सर्कल कट किया है, उस पर वाटर की हेल्प से मैंने बेबी बिठाया है। बेबी बनाने के लिए मैंने एक मोल्ड यूज़ किया है। ये जो चॉकलेट बार्स बनाए थे अभी हम, ये भी सेट हो गए हैं, उनको भी कट करके हम केक के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए केक हमारा रेडी है, वेरी स्वीट एंड सिंपल केक फॉर अ बेबी गर्ल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।